उज्जैन के थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में शनिवार शाम को भीषण आग लग गई। दरअसल घटना जूना सोमबारिया रिंग रोड की बताई जा रही है। यहां मक्का मस्जिद के पास लकड़ी और रुई के गोदाम में आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में पहले क्षेत्रवासियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग की भीषण लपटें उठ रही थीं। जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन का अमला और दमकल मौके पर पहुंच गई। यहां करीब 7 दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग में करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एकत्रित हो गए। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी करीब 4 से 5 बार इस गोदाम में आग लग चुकी है। यहां आग बुझाने के किसी तरह के कोई प्रबंध नहीं है। मामले में पुलिस ने कहा कि जांच की जाएगी, यदि गोदाम मालिक की लापरवाही पाई गई तो उसके विरुद्ध भी केस दर्ज होगा। हालांकि यहां आग में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। गोदाम के मालिक का नाम अफजल कुरैशी बताया गया है। CSP सुमित अग्रवाल ने इस मामले की जानकारी दी। हमारा भाई अफजल कुरैशी है, उसका लकड़ी और लगी थी यहाँ पे, तो ये रुई में आग लगी, उस वजह से उसके चक्कर में वो लकड़ी जल चुकी है। किस कारण लगी आग को पता, इसका आग का पता नहीं कुछ भी। ये हर साल आग लगती है तो सुरक्षा के कोई इंतजाम रहे? अब ये तो परेशान सोचना चाहिए ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। अब पता नहीं फॉल्ट किस तरीके कैसे हुआ, क्या 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 होता है यहाँ पे? इधर गोदाम में लकड़ी के यहाँ पे और रुई का भी है। हाँ, कितना नुकसान हुआ? कम से कम 5 से 10 लाख रुपये नुकसान हुआ। ये अफजल कुरैशी जी है, उनका रुई का गोदाम था और गोदाम से सटके ही कुछ बिल्डिंग घनी बस्तियाँ भी थी, तो घनी बस्तियों में कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, जिस कारण से रुई और लकड़ी के मिश्रण से आग बढ़ गई थी, जिसको हमने मौके पर रिस्पॉन्ड कर फायर ब्रिगेड की मदद से और सभी सामने लोगों की मदद से बुझा दिया गया है। सर कितनी दमकल लगी है? और लगभग 6 से 7 गाड़ियाँ दमकल की हमने द्वारा बुलाई गई थी और सभी के प्रयास से लगभग अभी कंट्रोल में स्थिति। सर ये हर वर्ष यहाँ पर आग लगी है तो इसका रुई मालिक को कोई हिदायत दी गई है? अभी ये मेरे संज्ञान में अभी पहला प्रकरण है, अगर ऐसा पहले घटना घटी है तो हम बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम देखे? अब आगे से अब इसका ध्यान रखेंगे, अब जो भी SOP होगी उसका पालन कराएंगे।